परिवार के साथ धार्मिक स्थानों पर जाने का अपना एक अलग अनुभव होता है और ऐसे स्थानों पर जाकर मन एकदम शांत और पवित्र हो जाता है। तो एक बार अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ चित्रकूट धाम की यात्रा का प्लान अवश्य बनाएं। और किसी भी यात्रा में जाने से पहले या फिर कहीं भी जाने से पहले एक बार ये आपके मन में आता है कि उस यात्रा को प्लान कैसे करें और किस तरह से हम वहाँ पर जा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। और जाने से पहले कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा जो कि आपको पता होनी चाहिए आपकी एक अच्छी ट्रिप के लिए या फिर आपके एक अच्छे, ताकि आपके दर्शन वो अच्छे तरीके से हो सकें, आपकी जो पूरी यात्रा है वो अच्छे तरीके से प्लान हो सके, इसके लिए आपको कुछ बातें जाननी ज़रूरी हैं और कुछ लोगों के बारे में भी जानना ज़रूरी है जिनसे कि आपको बच के रहना है वहाँ पे जाके, या फिर यूँ कहें चित्रकूट आके आपको उन लोगों से बच के रहना है जिससे कि आपकी यात्रा में कोई भी व्यवधान ना आने पाए और आपकी यात्रा बड़े अच्छे तरीके से हो सके। हर कोई बड़ी श्रद्धा लेकर, अपने मन में बड़ी श्रद्धा लेकर चित्रकूट आता है और ऐसे में अगर आपका एक्सपीरियंस या फिर यूँ कहें कि आपका यात्रा अनुभव अगर कुछ लोगों की वजह से ख़राब होता है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और मेरे होते हुए मैं तो बिल्कुल ऐसा आपके साथ नहीं होने दूंगा कि आप किसी यात्रा पे आएं और आपको उन चीज़ों की जानकारी ना हो जिन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। चित्रकूट आने के लिए सबसे पहले आपको आना होता है करवी रेलवे स्टेशन पे और वहाँ से आपको रामघाट पहुँचना होता है। करवी रेलवे स्टेशन से आप रामघाट तक पहुँच जाएंगे मात्र 30 रुपये में, हो सकता है आप 20 में भी पहुँच जाएँ लेकिन मुझे तो 30 रुपये लगे थे। और रामघाट वह स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम तुलसीदास जी से मिले थे और यहीं पर रुक कर उन्होंने स्नान किया था मंदाकिनी नदी में। इसी वजह से जब उन्होंने रुक के यहाँ पर स्नान किया तो इसी वजह से मंदाकिनी नदी को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। रामघाट पहुँचने के बाद वहाँ पर आपको ढेर सारे ऑटो वाले मिलेंगे जो आपसे बोलेंगे कि आपको 80 रुपये में हम पूरे चारों धाम घुमा देंगे। और जब भी मैं आपसे पूरे वीडियो में जब भी मैं आपसे चारों धाम बोलूँगा तो आपको समझना है वही जिन्हें चारों धाम कहते हैं, जैसे कि कामतानाथ जी हो गए और हनुमान धारा हो गई, गुप्त गोदावरी हो गई और सती अनुसुईया जी हो गई, इसी को यहाँ पे चारों धाम बोला जाता है। तो यही बोलेंगे वो घुमाने के लिए कि हम आपको मात्र 80 रुपये में पूरे जो चारों धाम है वो आपको हम घुमा देंगे। तो अगर आप एक दिन के लिए गए हुए हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं यार कि जब भी जैसे आपको जाना है, कुछ लोग जाते हैं जैसे कि सुबह जाते हैं वो शाम को अपना घूम के पूरा दर्शन वगैरह करके अपने शाम को वापस आ जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से गए हुए हैं तो वैसे भी आपके लिए सुविधा है, तो आप उसमें 80 रुपये देकर और दिन में घूम सकते हैं। 80 रुपये में घूमने का तरीका ये होता है कि जो ऑटो होता है वो उनको बोलते हैं, वो जो बड़ा वाला ऑटो होता है तो उसमें मेरे को लगता है शायद 12 से 15 लोग बैठते हैं, तो उस वाले ऑटो में वो आपको लेके जाते हैं और जल्दी जल्दी से करके ऐसे करके घुमा के वापस ले आते हैं। तो इस वजह से उनका किराया 80 रुपये होता है क्योंकि यार ढेर सारे लोग होते हैं तो फिर है ना। तो इस वजह से अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं और अगर आप एक दिन के लिए गए हुए हैं तो आप किसी भी धर्मशाला में लॉकर वगैरह ले सकते हैं। मैं यहाँ पर स्पेसिफिक किसी धर्मशाला का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी में रुका नहीं हूँ, तो ऐसे मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता किसी भी प्रॉपर, लेकिन कई सारी धर्मशालाएँ, मतलब ये समझो कि रामघाट के आसपास ढेर सारी धर्मशालाएँ, तो वहाँ पे आप कहीं पे भी रूम ले सकते हैं, आपको 20 से 30 रुपये में एक हॉल मिल जाता है, वहीं पे आप आराम से अपना लेट सकते हैं जितनी देर आपका मन करे और वहीं पे आप लॉकर ले लीजिए, 20 से 30 रुपये उसका पड़ता है, तो वहीं पे लॉकर ले लीजिए और लॉकर में आप अपना सामान रख सकते हैं। तो ये तो हुई बात एक दिन की, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने परिवार के साथ आते हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो आपको एक रात चित्रकूट में तो ज़रूर बितानी चाहिए। इससे ये होगा कि आप कम से कम अच्छे तरीके से घूम पाएंगे सभी जगह को, आपके पास ये नहीं रहेगा कि जल्दी जल्दी आपको नहीं रहेगा कि जल्दी जल्दी से यार घूमते हैं फिर निकलते हैं घर के लिए, तो आप आराम से घूम पाएंगे सारी जगह को। अगर आप चित्रकूट में एक रात रुकने का प्लान बना रहे हैं या फिर आपका मन है कि हम जैसे शाम को आएंगे एक रात रुकेंगे उसके बाद दूसरे दिन दर्शन करेंगे घूमेंगे फिर उसके बाद वापस घर चले जाएंगे, इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा गेस्ट हाउस सजेस्ट करता हूँ जिसका नाम है माँ भगवती भवन। और ये आपको रामघाट से लगभग 1 किलोमीटर, एक जो रामघाट है रामघाट से फिर जो सतना का बस स्टैंड है उसके बीच में ये पड़ता है। लोकेशन और जो डायरेक्शन वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, बाकी आप पूछ के भी पहुंच सकते हैं। अगर आप वैसे देखो हर किसी के पास आजकल मोबाइल होता है तो आप उसी में पूरा जो लोकेशन उसे सर्च कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपको लोकेशन मिल जाएगी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन मैं डाल दूंगा वहाँ पर, तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और वहीं पर एक रात अगर आप रुकना चाहते हैं, अगर आप डबल बेड का रूम लेंगे विद बेड एंड रूम लेंगे वो आपको पड़ेगा लगभग 500 से 600 रुपए का। लेकिन यार देखो ये वेरी करता है सीजन के हिसाब से, अगर कभी आप पता लगे आप जा रहे हैं जब काफ़ी भीड़ होती है चित्रकूट में तब अगर आप जा रहे हैं तो हो सकता है ये थोड़ा बहुत 100-200 रुपए का फ़र्क हो जाए, ये थोड़ा सा महंगा हो जाए, या फिर कभी आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो हो सकता है ये आपको 400 भी मिल जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको एक रूम की। और यार यहाँ के देखो मैं आपको ये सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ का जो रूम्स वगैरह है वो यहाँ के हिसाब से चित्रकूट के हिसाब से
और अपने बजट के हिसाब से काफ़ी साफ सुथरा है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है पूरे। और आप पूछेंगे कि इसका प्राइस क्या है, यानी पर नाइट का जो रूम का चार्ज वो क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि वेरी करता है, लेकिन 400 से 600 रुपए के बीच में ये वेरी करता है। और अगर देखिए इसमें एक सस्ता सा आपके लिए मैं बता दूँ, सस्ता सा अगर आ एक लोग आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं, चार लोग आ रहे हैं, पाँच लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए आप चाहें तो आप रूम ले सकते हैं और वो रूम आपको पड़ेगा 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। अगर आप अकेले भी आ रहे हैं तो भी वो आपको 100 रुपये का पड़ेगा, 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। अगर आप चार लोग हैं तो भी वो आपको 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ही पड़ेगा। और उसमें देखो यार, ये मुझे तो लगता है कि बेड वेड लेके क्या करना, अगर आप चार से पाँच लोग आ रहे हो तो आप एक हॉल जैसा जो रूम है वो ले लीजिए, आपको प्राइवेट बाथरूम मिल जाएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि बेड लेने से बाकी आपकी इच्छा, वो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो आप ले भी सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन जो सजेशन है मेरा देने का वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसमें आपको 100 रुपये में जो गद्दा है, रजाई है, चद्दर है, कंबल है, वो सारी चीज़ें, तकिया वगैरह, पिलो वगैरह सारा कुछ मिलेगा, प्राइवेट वाशरूम मिलेगा और रूम ही काफ़ी अच्छा, मतलब साफ सुथरे रूम इनके, इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कुछ लोग एक दिन के लिए आना चाहते हैं तो वो अगर आना चाहें तो वो 50 रुपये में आप यहाँ पे आकर अपना बैग वगैरह रख सकते हैं और नहाने वहाने का सारा कुछ आपको यहाँ पे प्रबंध आपका हो जाएगा, तो आप बैग वगैरह भी यहाँ पे रख दीजिए अगर आप चाहें तो। और एक रात के लिए आ रहे हैं तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये तो हो गई रुकने की बातें, लेकिन यार अब चलते हैं दर्शनों के लिए। और देखो मैं आपको इसमें दोनों चीज़ें बताऊँगा, ये नहीं है कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अच्छा अनुभव मैं अपना शेयर कर दूँ आपके साथ और बुरा अनुभव ना शेयर करूँ, तो फिर ये तो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी आपके साथ में। तो जो मेरा बुरा अनुभव वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और अच्छा अनुभव भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम जा रहे हैं सती अनुसुईया आश्रम के लिए, और रामघाट से सती अनुसुईया आश्रम के बीच की दूरी है 15 किलोमीटर की और रास्ता है लगभग 25 से 30 मिनट का, मतलब रामघाट से सती अनुसुईया तक पहुँचने में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगता है। अगर आप मेरी तरह ई रिक्शा से जाएंगे तो चित्रकूट सतना रोड से एक रास्ता कट कर अंदर की ओर जाता है और यहाँ से आश्रम की दूरी 5 किलोमीटर है। अभी आश्रम में पहुंच चुके हैं और देखने से तो लग रहा है कि भीड़ नहीं है, पहले बतासे खा लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ला देखिए कैसे, ला लो टेस्ट करो, बढ़िया। वैसे यहाँ पर साफ सफाई पर ध्यान देने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे पर्यटक आते हैं या फिर यूँ कहेंगे जिस हिसाब से यहाँ पर भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, उस हिसाब से यहाँ पर साफ सफाई का थोड़ा सा कम ध्यान रखा गया है। और इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि यार इतने ज़्यादा भक्त लोग यहाँ पे आते हैं दर्शनों के लिए, तो यहाँ पर साफ़ सफाई को थोड़ा सा तो रखना चाहिए, साफ़ सफाई का थोड़ा सा तो ध्यान यहाँ पर ज़रूर रखना चाहिए। ये मार्केट है यहाँ की, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं, लकड़ी का सामान यहाँ पर काफ़ी सही मिलता है यार। और यहाँ पर चलते हुए आपको एक चीज़ और सुनाई दे, पहनने से आपके घर की परेशानी दूर होगी, परिवार में खुशहाली होगी, कारोबार आपका चले, सोते समय हमारी छोटे बड़े सपने आते हैं। कि घर पर घोड़े की नाल लटकाएं और सारी परेशानियों से, सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा जाएं, मतलब यार अब घोड़े की नाल परेशानियों से छुटकारा दिलाएगी। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी सारी सुनने को मिलेंगी जब आप यहाँ से होकर गुजर रहे होंगे आगे की तरफ, मतलब आश्रम की तरफ जा रहे होंगे, मंदिर की तरफ, तो आपको ये कई सारी चीज़ें सुनाई देंगी। हालांकि जिन लोगों तो इस हिसाब से यार अगर देखा जाए ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा है, लेकिन इसमें क्या श्रद्धा, मतलब कि आप घोड़े की नाल लटकाएं सारी परेशानियों से, सारी समस्याओं से छुटकारा पा जाए, मतलब इसमें यार क्या श्रद्धा होती है भाई। मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा, अच्छी चीज़ होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा और जो बुरी चीज़ होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि बोलते हैं कि हाँ घोड़े की नाल लटकाएं सारी परेशानियों समस्याएं दूर करें, तो इस हिसाब से तो यार मतलब जो अस्तबल जिसने खोल रखा होगा उसके तो घर में कोई परेशानी नहीं होगी, तो इन सब चक्करों में ना ही पड़े तो ही अच्छा है। क्योंकि यार जो समस्याएँ दूर होती हैं ना, जो समस्याएं दूर होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं ना, वो कुछ करने से दूर होती हैं, मेहनत करने से दूर होती हैं, ये घोड़े की नाल लटकाने से नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों के चक्करों में ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अगर आपको ये लगता है कि हम घोड़े की नाल लटका लेंगे हमें ढेर सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, तो फिर बिल्कुल खरीदिए यार, ये आप पे डिपेंड करता है। पहले लग रहा था यहाँ पर भीड़ नहीं है, लेकिन कितने सारे लोग पहले से यहाँ पर आ रखे हैं। अगर आप भी यहाँ आकर मंदाकिनी नदी में स्नान करना चाहते हैं तो ये बेहद अच्छा स्थान है, और मुझे थोड़ा सा साफ़ सुथरा भी लगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जैसा थोड़ा सा गंदगी टाइप की यहाँ पे नहीं, मतलब नहाने के स्थान पे थोड़ी सी कम है,
वहाँ जो रामघाट में वहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि यार नाला वाला भी वहीं पे मंदाकिनी नदी में, अब इतनी पवित्र नदी को लोगों ने ही गंदा कर रखा है, तो इसमें किसी आप किसको दोष दे सकते हैं? तो हम सबका ही इसी में दोष होता है यार कि आप आते हैं और यहीं पे साफ मना है कि कपड़े नहीं धुलने हैं नदी में, लेकिन लोग धुलते हैं, मानते ही नहीं हैं। तो इन चीज़ों का भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए यार कि अगर आप इतनी पवित्र स्थान पर, इतनी पवित्र जगह पर आ रहे हैं तो इस बात का तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे स्नान करना, आप इस नदी मंदाकिनी नदी में स्नान करना चाहते हैं तो आके जरूर स्नान कीजिए। लेकिन हम लोग तो नहा कर आए हुए थे, तो हम लोग जाएंगे सीधे दर्शन करने के लिए। और अगर इसकी पवित्रता या फिर इसकी धार्मिक बातों की बात करें तो मंदाकिनी नदी का उद्गम इसी जो आश्रम है, यह सत्यन सिंह का आश्रम है, इसी आश्रम के नीचे से हुआ है मंदाकिनी नदी का उद्गम। यहीं पर माता अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बालक रूप में परिवर्तित कर दिया था, जो उनकी पतिव्रता परीक्षा के लिए आए हुए थे। यहाँ पर माता अनुसुईया के तीन पुत्रों दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा की मूर्तियां स्थापित हैं। तो प्राकृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तीनों रूपों में ही ये स्थान बड़ा ही पवित्र माना जाता है और बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे भक्तगण यहाँ पर बड़ी आस लेकर, बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। सुबह हम लोग निकले थे, वही 8:30 बजे निकले थे अपने रूम से, और पूरा जो एस्टिमेट था, जो टाइम था, वो था पूरा लगभग 5 से 6 घंटे का। अब ये था कि वैसे इन्होंने बताया था, जिनका ये ई रिक्शा है, उन्होंने बताया था कि 4 घंटे लगेंगे। ये कह रहे थे कि 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में लगेंगे, पर हम लोगों ने सोचा कि पूरे 6 घंटे तो कम से कम लगेंगे। लेकिन तो पूरा 6 घंटे का टाइम लेके चलते हैं, क्योंकि शाम को 4 बजे की ट्रेन भी है, तो 6 घंटे का टाइम तो लगना ही लगना है। तो अभी सुबह 8 बजे चले। अब आप पूछोगे कि मतलब उससे क्यों नहीं आया, जो ऑटो होता है उस ऑटो से क्यों नहीं आया? तो यार इसमें ये था कि हम लोग 4 लोग थे, तो हमने सोचा कि अभी इस पर सही रहेगा, कहाँ ऑटो में उस पर वो कम से कम 10 से 12 लोगों को बिठाते हैं, हालांकि उनका किराया कम होता है थोड़ा सा। जब भी अगर आप थोड़ा सा बजट फ्रेंडली, बजट में आप ये चारों धाम करना चाहते हैं, तो ये इन जगहों पर जाने का सिर्फ तो इन जगहों पर जाने का अगर आप बजट में करना चाहते हैं तो आपको हो सकता है कि 60 से 70 रुपये फिर 50 रुपये पर पर्सन में भी वो जो टेम्पो वाले वो आपको ले जाएंगे। लेकिन उस पर जैसे 10 लोगों को बिठा लिया या 10 से 12 लोगों को, 13 लोगों को बिठा लेते हैं आराम से। तो हमने सोचा इसे फालतू भीड़ भाड़ में जाने की कुछ आदत है नहीं, तो इस वजह से हमने सोचा कि इस पर जब जाएंगे, जैसे एक साथ जाते तो हम ही 4 लोग हैं, आराम से अपना घूमते फिरते मस्ती करते हुए निकल जाएंगे आराम से। थोड़ा सा आप जानते हो कि जो बैटरी वाली रिक्शा तो थोड़ा सा धीरे चलता है, लेकिन फिर भी टाइम मैनेज हो जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम रहता है। आप अगर 5 से 6 घंटे का टाइम लेके चलेंगे, अब आपके पास अगर बिल्कुल टाइम नहीं है, या फिर आप सुबह आए, मतलब सुबह आप चित्रकूट आए हो और आपको शाम को पूरा घूम के वापस जाना है, तो भी यार मेरे ख्याल से तो काफ़ी टाइम होता है। लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इसका आपको इसका किराया पूछेंगे कि इसका किराया कितना पड़ा, तो इसमें वैसे तो भैया 800 बोल रहे थे, 800 रुपये 4 लोगों के लिए, मतलब 4 लोगों का पूरा, अगर 5 लोग भी होते तो भैया 800 ही था इनका। तो लेकिन फिर हम लोगों ने बोला 700 रुपये, हमारी बात तय हुई कि 700 रुपये में आराम से ही पूरा घुमाएंगे, जो भी चीज़ें आराम से, किसी टाइम की कोई पाबंदी नहीं या फिर टाइम का कोई इशू नहीं कि कहाँ पे कितनी देर रुकना है। और उनमें ये होता है कि मतलब जो अपना पर्सनल पूरा बुक करके लाए, तो फिर इसमें टाइम का कोई इशू नहीं है, तो ये इन्होंने अपना पूरा दिन हमें दे दिया, अब हम कितनी देर कहाँ पर घूमते हैं वो हमारा मैटर है, वो इनका नहीं। तो इस वजह से ये सारी जगह घूमने के बाद आराम से अपना एक्सप्लोर कर लेंगे, क्योंकि उस पर अगर जैसे मतलब टाइमिंग भी थोड़ा इशू हो जाता है, वो अगर उनके साथ में आने में फिर पूरी भीड़ भाड़ रहती, वो कुछ बन ना पाता, फिर अब कई सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा कि मैं अपना पर्सनल बुक करके जाऊँगा। अगर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप जैसा सही लगे वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। टाइमिंग का भी मैंने बता दिया आपको, किराए के लिए भी मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे घूमने के लिए जैसे अब आप पूछोगे कि मतलब पूरा टाइम कितना लगा, तो जब भी मैं घर से चला, तो घर से सत्यन सिंह तक जाने के लिए लगभग शायद 6 से 7 किलोमीटर है घर से मेरा, मतलब है रूम से जहाँ से चले थे, वो रामघाट के पास में ही है। तो वहाँ से सत्यन सिंह तक जाने का लगभग आधे घंटे या कितना टाइम लगा होता था वहाँ से, आधे घंटे, हाँ तो आधे घंटे वहाँ से सत्यन सुइया का, सत्यन सुइया से 13 किलोमीटर 12-13 किलोमीटर गुप्त गोदावरी है। तो अब इधर को जाएंगे। अब आप पूछोगे कि मतलब पहले तो कामतानाथ जी से शुरू किया जाता है वहाँ का दर्शन करने के पश्चात, फिर उसके बाद हनुमान धारा, और फिर उसके बाद ये सत्यन सुइया, फिर गुप्त गोदावरी, ये आपको लग रहा होगा। लेकिन हमें लगा कि इधर से ऐसे करते हैं प्रोसेस, मतलब उल्टा सीधा यार क्या होता है, सभी के दर्शन करने हैं, तो हमने सोचा पहले इधर चलते हैं सत्यन सुइया, गुप्त गोदावरी, और ऐसे होते हुए हनुमान धारा, फिर वैसे कामतानाथ के दर्शन करते हुए आराम से घर निकल जाएंगे। तो ये हमने सोचा कि मतलब इसे उल्टा सीधा क्या ही होना यार,
तो ये हमको सही लगा। अब आपकी मर्जी, देखिए हमेशा आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे कंफर्ट रहता है या फिर आप कैसे घूमना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी जानकारी देनी थी या फिर अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं मिली थी वो मैंने आपको बताई कि किस तरह से आप घूम सकते हैं। आप यहाँ से सती अनुसुईया से उन्हें पूरा घूमने के बाद अब हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं, मतलब आगे से मेरा मतलब कि बुद्ध गोदावरी की ओर जा रहे हैं और वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे भी सारी चीज़ें घुमाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे सिर्फ, और सारी चीज़ें घुमाने के बाद फिर वहाँ से चलेंगे वापस हनुमान धारा की ओर। क्या गिर गया? तो अभी जा रहे इधर गुप्त गोदावरी की तरफ और यहाँ से फिर वहाँ पे भी सारी चीज़ें घूमने के बाद और सारी चीज़ें बताने के बाद वापस लौटेंगे हनुमान धारा की ओर, वहाँ पे घुमाएंगे, चलते हैं अभी गुप्त गोदावरी की तरफ। तो अभी हम आए हुए थे यहाँ पे गुप्त गोदावरी में घूमने के लिए और आप सोच रहे होंगे गुप्त गोदावरी घूमने आए थे तो फिर यहाँ कहाँ टहल रहे हो, तो यार आए थे उधर, हमने अभी जाके अंदर गए, थोड़ा सा यहाँ पे 20 रुपये का टिकट लगता है तो वहाँ पे आप टिकट लेके आप अंदर जा सकते हैं। अब अंदर वो कहते हैं फ़ोटो खींचना मना है, वीडियो बनाना मना है, उस पर मैंने फिर नहीं बनाया, बाहर रख दिया। फिर इतना कुछ ज़्यादा था भी नहीं अंदर बनाने के लिए, अंदर अंधेरा भी होता है, जो गुफा जैसी है छोटी सी है, तो वहाँ पे आप आके जा सकते हैं। अब हम इधर आ गए आराम से, इधर एक सुकून की जगह हमें दिख रही थी, ये चारों तरफ थोड़ी सी एक शांति जैसी दिख रही थी, सुकून की जगह थी, तो हमने कहा यहीं पर बैठ के थोड़ी देर इन्जॉय करते हैं, यहीं पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं और थोड़ा सा बैठ के मतलब यहाँ से आराम करके चिल करके फिर यहाँ से वापस चलेंगे। और मार्केट के लिए यार उधर ही जो गुप्त गोदावरी की मार्केट है, मतलब छोटा यहाँ पे आके आपको देखो जितना समय मैंने वहाँ पे बिताया था, जैसे वहाँ पे जो सत्य अनुसुईया था वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम बिता सकते हो, वो काफ़ी अच्छी जगह है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लगेगा, आप आइए अंदर जाके जो बनी हुई गुफा वहाँ पे टिकट लीजिए, 20 रुपये का टिकट लीजिए, बाहर जूते वगैरह उतार दीजिए और वहाँ से आप अंदर चले जाइए। फिर आप आपको महज 10 से 20 मिनट लगेंगे वहाँ पे, आप जाके अंदर से और वापस आ सकते हैं। मतलब अगर शॉर्ट में आपको एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे आने और यहाँ से जाने में आपको महज मुश्किल से आपको 20 से 30 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप चाहें तो यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं, प्रसाद लेने के बाद आप जाके ऊपर चढ़ा सकते हैं, वैसे प्रसाद चढ़ता तो नहीं कहीं पर, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं लेने के लिए कि आप जूते उतारिए चप्पल उतारिए और ले लीजिए। तो आप यहाँ पे आके बस वही गुफा घूम सकते हो, वही एक ही चीज़ है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है घूमने के लिए, वही एक ही चीज़ है जिसमें आके आप दर्शन अंदर कर सकते हैं और यहाँ से दर्शन करने के बाद वापस जा सकते हैं जहाँ भी आपको जाना हो। हम तो अभी यहाँ से निकलेंगे हनुमान धारा के लिए। पिछले दो स्थानों में दर्शन करने के बाद हम पहुँचे हनुमान धारा। रामगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह हनुमान जी का मंदिर बड़ा इसे पवित्र माना जाता है और इस स्थान को बड़ी पवित्रता से, बड़ी भक्तों के बीच में यार बड़ी ही श्रद्धा है इस जगह को लेकर, इस स्थान को लेकर। हनुमान धारा पर्वतमाला के मध्य भाग में बहने वाला एक झरना है। भगवान हनुमान की मूर्ति के ऊपर एक कोमल सी धारा गिरती है जिसके कारण इस स्थान को हनुमान धारा कहा जाता है। नीचे से लगभग 350 सीढ़ियां चढ़कर मुख्य स्थान पर पहुंचा जा सकता है। आप चाहें तो रोपवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिसका चार्ज लगभग 75 रुपये होता है। और सीढ़ियां चढ़ते समय बीच बीच में आपको बंदर भी मिलेंगे, तो कोई खाने की चीज़ अपने हाथ में न रखें। और बीच में ही आपको बहुत सारे पुजारी लोग भी मिल जाएंगे जो ज़बरदस्ती करते हैं चढ़ावा चढ़ाने के लिए। बाकी आपकी मर्जी, जितना चाहे चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ यार मुझे नहीं सही लगी क्योंकि हम इतने भक्त आते हैं, वो यार ढेर सारी श्रद्धा लेकर अपने मन में आते हैं और फिर उनको ज़बरदस्ती आप ये बोलते हैं, जो मैं ये पुजारी लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि वो वहाँ पे रास्ते में बैठे होते हैं। ठीक है यार, जिसका जितना मन होगा, जिसकी जितनी श्रद्धा होगी वो उतना चढ़ावा चढ़ाएगा। अब आप उस चीज़ के बारे में अगर ज़बरदस्ती करते हैं तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है ना, और इसकी वजह से जगह का, स्थान का नाम ख़राब होता है। मतलब वही मैंने आपको बोला था पहले कि कुछ लोगों की वजह से जो पवित्र स्थान है इसकी पवित्रता बड़ी धूमिल होती जा रही है, और यही वो कुछ लोग हैं। अरे अब मैं कहता हूँ कि ठीक है, और इस चीज़ से आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे, कभी भी आप जब हनुमान धारा जाते हैं, आप भी अगर पहले कभी गए होंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी, तो बड़ा आघात होता है। मतलब थोड़ा सा जब इतनी श्रद्धा लेकर हम यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा सा अंदर मन में ये होता है कि यार मतलब ठीक है चलो, अब वहाँ पे आप अगर ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं नहीं आप इतने रुपए चढ़ाओ इतने चढ़ाओ, तो ये तो कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। ये स्थान हनुमान धारा मंदिर के नीचे, इसे नरसिंह धारा कहते हैं। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर सिक्का फेंककर मनोकामनाएं मानी जाती हैं। मतलब यहाँ पर सिक्का फेंककर मनोकामना मानी जाती है, और अगर आपका सिक्का यहाँ पर ऊपर रुकता है तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। हालांकि मैंने देखा कि कुछ जगह पर सिक्का ऐसी जगह पर रुका हुआ है जहाँ पर उसका रुकना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक छोटे से पत्थर में, यहाँ से अगर दूर से अगर सिक्का फेंका जाएगा तो छोटे से पत्थर में एक सिक्का रखा हुआ है
जो कि अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इन्होंने वहाँ पे जाके ही रखा हुआ है। और यहीं पर जो ये बैठे थे, जो कह बोल रहे थे, मतलब अब पुजारी बोलूँ मैं क्या बोलूँ इन्हें, तो ये बैठे थे यही बोल रहे थे कि डालो डालो यहाँ पे सिक्का फेंको, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और आप यहीं पे सिक्का फेंके, अगर आपका सिक्का रुकता है तो आपको मनोकामना जरूर पूरी होगी। और कई जगह सिक्के जो मैंने देखे ऐसी जगह पर रखे हुए जहाँ पे रखना पॉसिबल नहीं है। और फिर यार यहीं पे इन्होंने अपने चप्पल जूते उतार रखे हैं, जिनसे कि आपको, आप अगर यहाँ पे आएंगे आपको फुली पता चल जाएगा, मतलब बड़े अच्छे से पता चल जाएगा कि यहाँ से उतरते हैं, पूरे सिक्के बटोर के लाते हैं, ऊपर रखते हैं यहाँ के। और मतलब थोड़ा सा ये होता है ना कि मेंटली थोड़ा सा प्रेशर डालना इस चीज़ के लिए कि आप यहाँ पे सिक्का फेंकिए सिक्का। तो यार ये श्रद्धा पे डिपेंड करता है, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप ज़रूर सिक्का फेंक सकते हैं, मनोकामना मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं ना ही आपको मना कर रहा हूँ और ना ही आपसे बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे आके सिक्का डालिए या फिर कुछ भी, क्योंकि यार इन लोगों का जो तरीका है बोलने का वो मतलब बड़ा ही रूड तरीका मुझे लगा। जो चीज़ें मैंने अनुभव करी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आपने भी कभी अनुभव करी हो तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे अपने से। खैर मनोकामना मेहनत करने से पूरी होती है, सिक्का फेंकने से नहीं। और यार खुद ही सोचो ना, भगवान को आपके सिक्कों की ज़रूरत थोड़ी ना है, बस आप भक्ति करते रहे वही बहुत है। तो उनको आपके सिक्कों की ज़रूरत नहीं, जिसने यार आपको सब कुछ दिया है वो क्या आपके सिक्कों का भूखा है। खैर आगे आपकी मर्जी, ये आप पे डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है, आप जैसा चाहें वैसा यहाँ पे आके आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उस जगह से फिर मुख्य मंदिर में आए दर्शन करने के लिए। यहाँ पर दर्शन करना हम सभी के लिए एक बड़ा ही धार्मिक अनुभव होता है, बड़ी श्रद्धा से हम यहाँ पर दर्शन करने आते हैं कि हनुमान धारा में दर्शन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी श्रद्धा लेकर सभी भक्तगण, मैं ये क्या मतलब सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा लेकर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो बड़ी श्रद्धा से भक्तगण यहाँ पर आते हैं और हम भी उतनी श्रद्धा लेकर यहाँ पर आएँ। लेकिन यार कुछ चीज़ें मतलब बड़ी हर्ट करती हैं अंदर से, बड़ा ही वो अनुभव ख़राब हो जाता है कुछ लोगों की वजह से। भैया प्रसाद लेकर चढ़ाने के लिए एक पुजारी जी आए बाहर से, जब प्रसाद चढ़ाना था भैया को, तो उन्होंने प्रसाद चढ़ाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो एक पुजारी बाहर से आए और बोले क्या लाया, मतलब यार आप तरीका देख रहे हो क्या लाया। अरे यार इंसान, अगर कोई भक्त आ रहा है, कोई इंसान आ रहा है अपनी इतनी श्रद्धा के साथ आ रहा है, वो प्रसाद ला रहा है फिर कुछ, तो यार ये पूछने की क्या ज़रूरत है। और इतने रूड तरीके से कि मतलब क्या लाया, ठीक है बोला कि चलो लड्डू लाएँ, यार इंसान क्या ही लाएगा, लड्डू चढ़ाने के लिए लाएगा या फिर कुछ घर से मिठाई वगैरह लाएगा। तो इस तरह से पूछना कि क्या लाया, मतलब यार ये रूड तरीका, ये कौन सा तरीका है, मुझे ये समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद दूसरी बात ये हुई कि जब प्रसाद छीन के चढ़ा दिया, फिर उसके बाद मतलब इस तरह से बोला कि भेंट चढ़ा, ये यार कौन सा तरीका है। मतलब मुझे इतना हर्ट हुआ उस दिन, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि कैसा मुझे लगा उस दिन। मतलब भेंट चढ़ा और इस तरह की बातें करना, यार कोई अपने मतलब इस तरह से कोई पुजारी क्या है, मतलब किसी पुजारी की यही एक मतलब क्या यार, मैं अब क्या बोलूँ इस चीज़ के बारे में। मतलब उस दिन तो बड़ा ही गुस्सा भी आया एक तरफ से, और कुछ चीज़ें मुझे ख़राब भी लगी, लेकिन क्या यार किया जा सकता है। बट मुझे लगा कि इस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो इस वजह से मैं ये चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं इस बात को शेयर ना भी करता आपके साथ, लेकिन मुझे लगा कहीं तक कि ये ज़रूर शेयर करना चाहिए। फिर भी आप बताइएगा कि आपके साथ कभी ऐसा अनुभव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो यार अच्छी बात है अगर नहीं हुआ है, लेकिन मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको बताया। फिर भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मतलब क्या यार ये चीज़ें सही है या फिर मतलब उनका ऐसा ही है, या कुछ लोगों की अभद्रता की वजह से बड़ी निराशा होती है कभी कभी। और देखो मतलब प्रसाद चढ़ाया, जो भी पूजा जिस पुजारी के बारे में भी आपको बता रहा हूँ, तो मैं क्या ही बोलूँ यार ऐसे। मतलब वो खाना बना रहे थे, खाना बनाते हुए फिर वो अंदर प्रसाद चढ़ाने के लिए चले गए। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि यार अगर जूठे याद आए फिर तो भगवान की, जो भगवान का मंदिर होता है उसको हम हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन ये खाना बना रहे थे, खाना बनाते हुए प्रसाद चढ़ाने के लिए गए और इस तरह से अभद्रता से बात करना, फिर वापस आए अपना खाना बनाने में लग गए। तो ये कुछ मुझे यार सही नहीं लगा, बड़ी निराशा हुई इस चीज़ को देख कर। लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। इसके बाद हनुमान धारा से दर्शन करने के बाद फिर हम गए कामतानाथ जी के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से हमें दर्शन हुए, क्योंकि भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं थी, हम ऐसे टाइम पर गए हुए थे कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। तो बड़े ही अच्छे से हमें दर्शन हुए, बड़े अच्छे से हमने दर्शन किया वहाँ पर कामतानाथ जी के। और वहाँ पर अच्छे दर्शन होने के बाद फिर कुछ दिल को सुकून मिला, ये लगा कि नहीं हम आए हैं अगर तो सही हुआ, मतलब ठीक है यार पूरी हमारी यात्रा जो है वो अच्छे से हो गई। वही चीज़ है कि अंत भला तो सब भला। अब कामतानाथ स्वामी के दर्शन करने के बाद अब यहाँ से समय था प्रस्थान करने का घर के लिए, क्योंकि दर्शन भी हो गए, सारा घूम भी चुके सब कुछ, अब यहाँ से समय प्रस्थान करने के लिए घर का। और घर में प्रस्थान करने से पहले मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि रामघाट के पास में अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं, नाव में घूमना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए,
तो यहाँ पर आपको जो भी नाव वाला है या फिर जो भी आपसे बोल रहा है कि आओ नाव में घुमा देते हैं, उनसे पहले ही कंफर्म कर लेना कि वो कहाँ तक जाएगा और पैसे कितने लेगा। तो वो अगर बोल रहा है कि आपको 150 रुपये या फिर इसमें मतलब उसमें 3 से 4-5 लोग जो भी बैठ जाएँ, 4 से 5 लोग तो मोस्टली बैठ ही जाते हैं, 5 से 6 लोग, उसमें 150 रुपये तक आप उसको दे सकते हैं। और उससे लेकिन जगह का ज़रूर, मैं ये आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप ये ज़रूर पूछ लेना कि वो कहाँ तक आपको घुमाएगा, क्योंकि वो बताएगा इस जगह ऐसे करके उस पुल तक जाऊँगा मैं, वहाँ वो ऐसे दूर करके बताता है मतलब कि हाँ वहाँ उस पुल तक मैं जाऊँगा, लेकिन वो जाएगा यहीं तक। तो इस चीज़ों से आपको अवेयर रहना है पूरी तरीके से। और कहीं पर भी अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो रामघाट में आप अंदर तक आ सकते हैं, क्योंकि मैंने एक देखा, एक अंकल जी गाड़ी लेकर आए हुए थे, मैंने उनको देखा कि तुरंत जैसे ही उन्होंने गाड़ी अंदर खड़ी करी, मतलब रामघाट कहाँ पे है वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर आ गया कोई ऐसे पर्ची काटने के लिए कि लाल लाल रोटी का ये मतलब खड़ी करो यहीं पे पार्किंग है, क्योंकि क्या फ़ायदा वो आपसे बोले कुछ फिर मुंह पे झूठ बोल जाए फिर बाद में आप क्या ही कर लोगे। तो आपकी यात्रा अच्छे से हो सके इस वजह से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, जो भी अच्छे अनुभव बुरे अनुभव जो भी थे मैंने सारा कुछ आपको बताया। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। तो अगर आप चित्रकूट जाना चाहते हैं तो उससे पहले ये जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो भी जानकारी मैंने आपको दी वो आपको सारी कुछ पता चल गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जो भी आपको जैसा भी लगा वीडियो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, मतलब आप मुझे बताएं कि आप जो मैंने आपसे चीज़ें पूछी है फिर जो अनुभव मेरा रहा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग देख रहे हैं, लोग जो भी आपका अच्छा या ख़राब अनुभव जो भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आशा करता हूं कि आप एक बार तो चित्रकूट की यात्रा का प्लान जरूर करेंगे, चित्रकूट यात्रा के लिए कामतानाथ स्वामी के दर्शनों के लिए अपने परिवार के साथ जरूर आएंगे। और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे किसी एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इसी तरह